दो गुटों में बढ़ा तनाव, गांव में मचा बवाल। पुलिस घटनास्थल पहुंचकर गांव में कर रही कैंप। दो समुदाय में हो सकती थी बड़ा जंग, लेकिन पुलिस ने संभाला कमान। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां सिवान में प्रतिबंधित वस्तु मिलने के बाद पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। पूरी खबर आपको बताते चले कि सिवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के अभू में प्रतिबंधित वस्तु मिलने के बाद पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रतिबंधित वस्तु मास्क के रूप में मिली हुई है। फोरेंसिक जांच के बाद वस्तु की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि प्रतिबंधित वस्तु मिलने के बाद अहले सुबह थाना को किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया, जहां पे दरौंदा थाना अध्यक्ष छोटन कुमार मौके पहुंचे। उसके बाद पूरे इलाके में पुलिस की गश्त तेज कर दी गई है। वहीं मौके पर महाराजगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी दरौंदा सूर्य प्रताप सिंह सिंगर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश कुमार रंजन, थाना अध्यक्ष महाराजगंज रतेश कुमार वर्मा, सर्किल इंस्पेक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह मामले की जांच में जुटे हुए हैं। अब प्रतिबंधित मास्क कैसा है यह फोरेंसिक जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। हालांकि पूरे गांव में स्थिति सामान्य है, तनाव किसी प्रकार का न हो लेकर पुलिस गश्त तेज कर दी गई है। वहीं सिवान से भी सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल पहुंचे हुए हैं। मौके पहुंचे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश कुमार रंजन ने कहा कि जांच के बाद ही वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगी आखिरकार मजरा क्या है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि आम जनता अफवाहों में न ध्यान दें, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी हो तो मुझे अवश्य बताएं। तो तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार जानकारी मिलते ही महाराजगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश कुमार रंजन, थाना अध्यक्ष दरौंदा छोटन कुमार, महाराजगंज थाना अध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती अभी गांव में हुई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं सुपर एक्सक्लूसिव खबर बता रहे हैं, जहां पे दरौंदा थाना क्षेत्र में अभी गांव में प्रतिबंधित वस्तु मिलने के बाद पूरा इलाका जो है पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही जिले से भी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं स्थानीय प्रशासन भी पूरी कमर कसकर अभी गांव में तैनात है। हालांकि अभी तक पुलिस कुछ खुलासा नहीं कर पाई है, देखना इस मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है यह तो अगला समय बताएगा। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ही घटनास्थल पहुंची हुई थी। वहीं महाराजगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने लोगों से अपील किया है कि आप लोग शांति बनाए रखें, कोई भी बात की अगर जानकारी हो तो मुझे कॉल करके दें ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सके। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जिला बल की पुलिस जो है घटनास्थल पर पहुंची हुई है।